लगेगा इधर से मैं बीच में। पहुंच गए हर हर डन। फिर रो रहे, इमोशनल हो गए थोड़े से। तो क्या हाल है दोस्तों, कोई आ जाओ बाहर जल्दी। साँख ही नहीं खुल रही है। पर अभी जस्ट सब सोके उठे, अब सब यहाँ से जाएंगे दर्शन करने के लिए। मैं भी जस्ट अभी सोके उठा, तो सोके उठा तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का एक व्यू दिखा देता हूँ जो अभी है। लाइक अब बारिश होने ही वाली, हो रही है, बट मे भी शायद कल हम लोग को बारिश मिलेगी जाते समय। तो ये हमारे स्ट्रेट होटल के रूम के बाहर का व्यू। जैसे ही सब होटल में आए वैसे सब सो गए, क्योंकि सबको जाना था। अभी एक एक करके तैयार हो रहे हैं, इनके तैयार हो रहे हैं, बाकी एक एक करके सब तैयार हो रहे हैं। तो मेरे भी तैयार नहीं हो, बस जा रहा हूँ तैयार होने के लिए। केला खाएगा? हाँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? नहीं, अब केला खाएगा सर्दी पकड़ लेगा। तो भाई एनर्जी आ जाएगी बॉडी पर। वी आर ऑल जस्ट गोइंग टू रेडी नाउ। फिर हम जा रहे सीधा जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। इतने टाइम का प्लान कि ये बाबा के दर्शन होंगे यहाँ पे, तो ये है। बट अगर आप अगर सोचो कि हमारी राइड कैसी गई होगी, तो मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी गई। आज तक की सबसे बेस्ट राइड रही है, मैंने तो की है। मतलब यहाँ पे हमें सब मिला। मैं तैयार हो चुका हूँ, अब यहाँ से पड़ाव सीधा मंदिर की ओर। बारिश का मौसम बन रहा है। एंड सोचा अंदर गीजर में पानी गर्म रहेगा, ठंडा। ऐसे आया, ऐसा लगा कि मैं हिमालयन पर्वत पे ये कर रहा हूँ तपस्या। तपस्या भाई, इतना पानी सीधा धड़ 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 धड़। पर क्या करेंगे, करना पड़ता है एडजस्ट। यहाँ का टेम्परेचर 21 चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा, अभी भी वही व्यू, बारिश आ सकती है कभी भी। बट कोई नहीं, हम जो करने आए वो फाइनली अभी थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे और फाइनली बाबा के दर्शन आज हो जाएंगे। बॉयज लोग का यही होता है, इसलिए साथ में गर्ल्स होना जरूरी है फॉर अ क्लीनलीनेस। वो मीटिंग ले रहा है, मीटिंग नहीं ले रहा है। तो निशा के साथ है। निशा? हां वही मैडम है। मैडम छे, वी आर रोइंग, वी कैन शो हर इन द व्लॉग ब्रो, आई कैन शो हर इन द व्लॉग। ये हमारी हमारी मैडम साहिबा। ओ भाई साहब, वीडियो कॉल लगा रहा है इधर पे। एक आदमी का 500 रुपया। तो पैसा रखने आया है, 500 रुपये लेने हैं। अभी निकल रहा हूँ मैं टेंपल की तरफ, निकल रहा हूँ मैं वहाँ के आगे का। आपको मैं सब डिटेल देता रहा हूँ। और पूरा बवाल कर दिया गाइस, पुल पे बारिश आ गई गाइस। बारिश बस निकलने वाले थे, फक सब शूट कर रहे थे गाइस, सब भागे। मौसम का यहाँ पे कोई भी है ही नहीं। 2 मिनट पहले यहाँ पे धूप थी गाइस, अब देखिए फुल बारिश गाइस। तो अभी कुछ करते हैं जाने का, तो टाइम से पहुँचेंगे तब टाइम से दर्शन हो पाएगा। अरे क्या मौसम बन गया गाइस, ऐसे आते समय बारिश मिली नहीं, होप सो कल मिले। हाँ तो निकल गया गाइस। देखिए जैसे आपने देखा कि थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अब अचानक से पूरा उजाला आ गया। बस हेडिंग टूवर्ड्स द टेम्पल, थोड़ा ही दूर है। हमारे सारे बाइकर्स लोग रेडी है टू मूव, और मैं भी रेडी होता हूँ। तो अब सीधा मिलता हूँ मैं आपको टेम्पल के बाहर। ये हल्का सा लाइनर पहन लिया हम लोग ने कि बारिश से थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिले, बट कोई बात नहीं, भीगना है तो भीगना है, कोई बात नहीं है। तो फिर मिलते हैं आप लोकेशन। तो गाइस वी आर एंटर्ड भीमा शंकर गेट फाइनली, और हमारे सारे साथीदार यहाँ पे चल रहे हैं।
लगाने पे था नहीं, बाकी दो शायद पीछे आ रहे थे। कोई भी भोलेनाथ की ट्रिप की जो भी बात करो तो पूरी फीलिंग केदारनाथ वाली आती है। एक अब चलना, वॉक करना, वो लंबे पथ रहना। भाई अभी भरपूर वाली लाइन है, बहुत गंदा। अभी लाइन भी है गाइस, यहाँ से देखो चालू हो रहा है पूरा और लाइन खत्म नहीं हो रही है, हो रही है बट चालू तो है। वी आर हेडेड इन द लाइन। बाकी किधर है भाई? भाई बाकी पब्लिक किधर है? बाकी पब्लिक अभी आ रही है पीछे से, बट बहुत अमेजिंग था। अभी आगे आधे अमेजिंग होने वाला है बिकॉज इसके लिए आए थे। लाइन लगी है वो अभी थोड़ा सा और थोड़ी मतलब थोड़ी सी दूरी पे ऑलमोस्ट भोले बाबा के लिए आए हैं। मंदिर अगर मंदिर वहाँ पे बट अभी दिख नहीं रहा है, बट आगे जाकर शोर आपको दिखाएंगे तो बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई। तो लाइन में अभी बारिश आके गई है जस्ट। अभी भी हम लाइन में कर, अपना एक बंदा किधर है? अभी हमारा एक बंदा कहीं तो पता नहीं क्या है, कोई मारा वारा रहेगी उसको भाई। इधर से मंदिर दिख रहा है क्या? वो दिख रहा होगा। अबे मोबाइल लेके ज़ूम कर, मैं भी दबा रहा हूँ। वो हाथ लेके जा रहा है। थोड़ी देर और, मैं भी एक घंटा, फिर आपको सामने से दर्शन देंगे। ये उदास है। क्योंकि हमारी उदास है। ये चप्पल इधर ना। गाइस वी आर फाइनली इन टू इन। वी आर फाइनली इन। ये है मंदिर। मंदिर है यहाँ सब स्ट्रेट एंट्रेंस। होप सो पूरा दर्शन मिल पाए और कोशिश करेंगे पूरा दर्शन देखने का। वो इंतज़ार लाइन में 3 घंटे के बाद, बारिश में देख सकते हैं आप, 3 घंटे के बाद आपका मूड वर्क पहुँचा है यहाँ पर। यह है मंदिर। सो गाइस फाइनली वी आर इन। हम लोग टेंपल के अंदर है। यहाँ पे है अंदर। So guys, finally we are in. 4 घंटे की लाइन के बाद अंदर फाइनली हो गया गाइस दर्शन। बस अंदर जा रहे दर्शन लेने, फोटोग्राफ अलाउड नहीं होगी बट दर्शन वगैरह सब करके हम लोग आ गए हैं। एंड रावि साहब रेस्टिंग का टाइम है बिकॉज कल सुबह फिर हमें एक दूसरी लोकेशन पे जाना है। तो फिलहाल सब कुछ अच्छा हुआ, दर्शन वगैरह सब मिल गए। आपको मेरे ब्लॉग में अपडेट्स मिल जाएंगी। और बहुत अच्छा ट्रिप रहा, दर्शन भी अच्छे हुए और आरती भी मिल गई। तो फिलहाल अभी थक गए। कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। अभी हम जा रहे हैं सोने और सुबह उठ कर किसी लोकेशन पे जाना है। तो अब ये होगा यहाँ पे ब्लॉग का एंड। तो बट कहीं नहीं, हम दोबारा मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर। ब्लिंकर भी चार्ज डाल, अभी जरूरत नहीं रहे ना। अब दिन में